क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है हमने राइट हैंड साइड के। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम, सबसे आसान सी है tan 37, इसको लिखते हैं हम tan 37 डिग्री। अब देखें यहाँ पे तो सिर्फ tan की वैल्यू है 37, अगर हम इसको लिखें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में तो हमारे पास कुछ इस तरह लिख सकते हैं क्या, tan 45 माइनस 8 डिग्री। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ गई, अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म आ गई। इसी तरह अब tan का फार्मूला ओपन करते हैं, tan का फार्मूला क्या है, टी टी ओवर टी टी। ये स्टूडेंट्स आपको ट्रिक लाजमी याद रखना पड़ेगा, टी टी ओवर टी टी, ठीक है। वो रेलगाड़ी में जो टी टी नहीं होता, टी टी, उसकी सेंस में आप लोगों ने ये याद रखना है। अब देखें टी tan मतलब, टी मतलब tan 45 माइनस tan 8, इसी तरह ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस 1। इसी तरह tan 45 इंटू tan 8, अब देखें tan 45 किसके बराबर है, 1 के, माइनस tan 8 ओवर, इसी तरह 1 प्लस 1 इंटू tan 8। अब देखें ज़रा tan को हम लिख सकते हैं क्या, sin 8 ओवर cos 8 ओवर, इसी तरह 1 प्लस साइन 8 ओवर cos 8। अब देखें ऊपर एलसीएम लेता है, नीचे एलसीएम लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम के तौर पे हमारे पास सिंपल cos 8 तो एलसीएम आ गया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, cos 8 माइनस साइन 8 ओवर। इसी तरह नीचे एलसीएम लिया, नीचे क्या एलसीएम आ गया, cos 8 ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, cos 8 प्लस साइन 8। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गया, cos 8 माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 प्लस साइन 8। अब देखें जरा प्रूफ क्या करना था, cos 8 माइनस साइन 8, cos 8 प्लस साइन 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। अगले जो पार्ट है वो है लॉन्ग क्वेश्चन में, आपने जब वो करने हैं तो चाहे शायद पी के वो वीडियोज़ आपने देखनी है।